जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। हजरत इम्तियाज अर्ज कर रहा हूँ, माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों हजरत खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आज मैं आपकी खिदमत में एक सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। सवाल ये है कि आज के इस नाजुक दौर में हमारे लिए रिश्ते नाते को निभाना एक बड़ा बन गया है। पहले से मैं बुनियादी तौर पर दो बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि एक शख्स रिश्ते नाते को तोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन लोगों के बुरे रवैये उसे कता ताल्लुकी करने पर मजबूर कर देते हैं। तो हजरत इस्लाम हमें किस हद तक अगर अंदाज करने का हुक्म देता है। चलिए, मेरे ख्याल कॉल कट गई है, तो कम से कम एक सवाल आ गया। जी। क्या वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, इम्तियाज साहब इंडिया से कॉल कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि रिश्ते नाते के हवाले से ताकीद भी है और एक शख्स तोड़ना नहीं चाहता लेकिन लोगों का रवैया उसको मजबूर कर देता है कि वो रिश्ते नाते को तोड़े। उसमें ऐसा है कि असल में रिश्ते नाते इंसान जो खुद अपने मफादात के लिए अपने उसके लिए तो तोड़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन दफ़ा ज़र्र जो है वो तो ज़ाहिर है कि इंसान के ऊपर वाजिब है कि ज़र्र को दफ़ा करे, अपने आप को नुकसान से बचाना, क्योंकि जल्ब मनफ़त जो है वो इतना ज़रूरी नहीं होता लेकिन दफ़ा ज़र्र उतना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर इस रिश्ते नाते की वजह से ज़र्र पहुँच रहा है आपको, तो उस सूरत में आप दफ़ा ज़र्र की नीयत से, नुकसान से बचने की नीयत से आप उनसे फासला कर सकते हैं, आप उनसे फासला कर सकते हैं। दिल की बात ना करें, राज की बात ना करें, ज़्यादा मेल मिलाप ना करें, बस ये कि सलाम दुआ तक रखें बस, और फासले से रहें, इसकी गुंजाइश है। लेकिन क़ता रहमी जो है ना, उसकी इजाज़त नहीं है कि ऐसे खूनी रिश्तेदार हैं उनको बिल्कुल क़ता रहमी कर जाएं। क़ता रहमी ना करें, सलाम दुआ की हद तक रखें, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि वो लोग ही जो क़ता रहमी पर मजबूर कर रहे हैं या ये वो क़ता रहमी करके बैठ गए, तो आप अपनी तरफ से एक हद तक कोशिश करें कि आप जब वो नॉर्मल वे में उनके हलवाए रखें, लेकिन वो भी मुमकिन ना हो तो फिर आप एक साइड पे हो जाएं, तो फिर आपको यह क़ता ताल्लुक़ का गुनाह नहीं मिलेगा। तो लिहाजा इस दर्जे अगर मजबूर हो गए उनके रवैये की वजह से कि ज़र्र होने लगा है, तो ज़रा दफ़ा ज़र्र आपका हक़ है, आप दफ़ा ज़र्र की नीयत से आप उनसे फासला कर सकते हैं, उसमें शर्म कोई मज़ाक़ा नहीं है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।